नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। ओके माय डियर किड्स, हैव यू वॉच्ड प्रीवियस डेज वीडियो? हैव यू रेड द लेसन? ओके, वी लर्न अबाउट द लेटर्स लेसन, राइट? हैव यू रेड दैट लेसन? ओके माय डियर किड्स, प्लीज रीड एज मच एज यू कैन। ओके, डोंट स्किप रीडिंग एंड ऑल। Okay, only writing is not needed, Hindi reading we need, so read. Okay, today we are going to revise the notes. First we will revise page, today I'll send the notes, so okay, to you listen the notes carefully. Okay my dear kids. Okay, chittiyon ki anoothi duniya. What is the title of the lesson? Chittiyon ki anoothi duniya. First one, first Roman letter, Arth. First Roman letter, Arth. Sanchar, communication. Yadgar, momento. I send the notes already, right? Okay, ma. You see the notes carefully and listen to me. Okay. ओके, संचार कम्युनिकेशन, यादगार मोमेंट, मोमेंटो, अजीबो गरीब स्ट्रेंज। अजीबो गरीब इज अ वन वर्ड, ओके? अजीबो गरीब स्ट्रेंज, अहमियत इम्पोर्टेंस, मुस्तैद अलर्ट, वंस मोर, संचार कम्युनिकेशन, यादगार मोमेंटो, अजीबो गरीब स्ट्रेंज, अहमियत इम्पोर्टेंस, मुस्तैद अलर्ट। देन सिक्स्थ वन, दस्तावेज डॉक्यूमेंट, हैसियत कैटेगरी, आलीशान ग्रैंड, दस्तावेज डॉक्यूमेंट, हैसियत कैटेगरी, आलीशान ग्रैंड, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। वंस मोर, दस्तावेज डॉक्यूमेंट, हैसियत कैटेगरी, आलीशान ग्रैंड, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। देन टेंथ वन, देहात विलेज, वंस मोर, संचार कम्युनिकेशन, यादगार मोमेंटो, अजीबो गरीब स्ट्रेंज, लर्न नाउ इटसेल्फ, अहमियत इम्पोर्टेंस, मुस्तैद अलर्ट, दस्तावेज डॉक्यूमेंट, हैसियत कैटेगरी, आलिशान ग्रैंड, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, देहात विलेज। देन हिंदी अर्थ, सेकंड रोमन लेटर, हिंदी अर्थ, अजीबो गरीब अनोखा, अहमियत महत्व, तह गहराई, डीपनेस, तह गहराई, मुस्तैद तत्पर, हैसियत दर्जा, आलीशान शानदार। एवरी वर्ड्स मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग इज देयर ऑन अवर फर्स्ट रोमन लेटर, सो इफ यू वांट द मीनिंग ऑफ दैट यू लर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो। ओके, सो अजीबो गरीब अनोखा, अहमियत महत्व, तह गहराई, मुस्तैद तत्पर, हैसियत दर्जा, आलीशान शानदार। देन थर्ड रोमन लेटर, प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन आंसर, भारतवर्ष में लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। हाउ मनी लेटर्स आर देयर इन एवरी ईयर? लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। फोर एंड हाफ क्रोर लेटर्स आर पुटिंग ऑन डेली एवरी ईयर इन इंडिया। भारतवर्ष में लगभग साढ़े चार करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती हैं। देन कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं?
कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? इन कन्नड़ लैंग्वेज पत्र फॉर लेटर व्हाट वी विल टेल। कन्नड़ भाषा में पत्र को कागद कहते हैं। कन्नड़ भाषा वी विल टेल कागद। ओके, कन्नड़ भाषा में पत्र को कागद कहते हैं। देन SMS का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SMS? SMS, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SMS? SMS का अर्थ है मोबाइल फ़ोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश। मोबाइल फ़ोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश है। इन टू थ्रू मोबाइल व्हाट वी कैन सेंड थ्रू राइटिंग, व्हाट द मैसेज वी आर सेंडिंग थ्रू राइटिंग ओनली वी विल टेल अस SMS। SMS का अर्थ मोबाइल फ़ोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश। देन चिट्ठियों की तेजी को किसने रोका है? व्हाट द फास्टनेस ऑफ लेटर्स, हु स्टॉप्ड द फास्टनेस ऑफ लेटर्स, हु स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ व्हाट एंड ऑल दिस लेटर नाउ इट इज़ नॉट देयर। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन एवं मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। दिस एंड ऑल, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन एवं मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। चिट्ठियों की तेजी को किसने रोका है? चिट्ठियों की तेजी को फैक्स, चिट्ठियों की तेजी को किसने रोका है? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन एवं मोबाइल चिट्ठियों की तेजी को रोका है। ओके माँ, learn that and do home test. Okay, my dear kids, so next we will go to the new lesson, part 6, bhagavan mein takiya, bhagavan ke takiya. Okay, I wrongly written. Okay, bhagavan ke takiya means the postman of God's postman, or the postman of God, the postman's of God. Here it is explaining about the postman, what the God has sent it to us. Not like a postman, how he will be wearing the uniform, he is having one bag with him, he is keeping on cap on his head, right, he is keeping on bag, how the having bag, uniform, then cap, then letters, more letters will be there in the bag, right, where the letters, where the address he want to find out and he want to give the letters to them. So who are the postmans of God? Let's see. I'll take your textbook, page number 31, write up of today's date, 23/11/2020, Somavar. Then we'll go to the lesson. Pakshi aur badal hai ye bhagwan ke taakiye hain, jo ek mahadesh se dusre mahadesh ko jaate hain. हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्टियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांधते हैं। व्हाट इट, हु आर द पोस्टमैन्स? पक्षी और बादल, बर्ड एंड क्लाउड, बर्ड एंड क्लाउड, ये दो टाकियों के बारे में हम बताया गया है। हु आर द टाकिए? पक्षी, बर्ड एंड बादल, क्लाउड, ये भगवान के टाकिए हैं। भगवान, गॉड, ये पक्षी एंड बर्ड एंड द क्लाउड आर द पोस्टमैन्स ऑफ भगवान, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दिस वन इज गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू वन कंट्री, स्टेट और कंट्री टू अनदर कंट्री और स्टेट, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो राइट, birds only not standing still in only one, see we humans are only staying in one place, right, we won't go roam here and there, somebody will go like a visit, right, but this birds, this cloud and all, it's what, everywhere it will go, they don't know that this place is ours, that place is ours, they will go everywhere like that, right, so these are the postmans of God. हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, हम तो समझ नहीं पाते हैं, वी कांट अंडरस्टैंड, व्हाट वी कांट अंडरस्टैंड, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, बट द लेटर्स विच दे आर ब्रिंगिंग, पेड़ ट्री, पौधे लीव्स, पानी वाटर, पहाड़ माउंटेन, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं, बांझना मीन्स रीड आउट, but we can't understand the letters what they are bringing, but this tree
leaves, the water and the mountain, they are reading out what the letters are. They can understand what they are bringing, what they are doing. Because bird which is giving, bird what the message they are giving means, the bird it will do like it will sing, right? But it is not singing for himself. It is not singing for themselves. It is singing for the whole person, whole world. Like cloud also, it is not showering for only one place. It is showering for the whole world. So they are doing, Pakshi gana gaati hai to sabke liye gaati hai. Pakshi is singing song for everyone. Badal sabke liye paani baraste hai. Badal also, cloud also is showering for whole world. So like that we also have to do whatever work we are doing for all. We should not be selfish. That is only this lesson. We should not be selfish. Whatever it is doing, that we have to think about others also. We have to give for them also. If any one chocolate we are if we are bringing only one or two chocolate, like in school, whether we will eat together, only you will eat that one. No, you will share to your friends also, right? So we don't know that. So we have to be like, this is mine, this is mine. Like that we should not sit. We have to give for everyone. That is only good. Okay, then next para. Hum to keval yah aankte hain ki ek desh ki dharti dusre desh ko sugandh bhejti hai aur vah saurav hawa mein tairte huye pakshiyon ki pangon par tirta hai. और एक देश का फाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. हम तो केवल यह आंकते हैं. आंकना मीन्स असेसिंग, ASSESSING, असेसिंग. वी आर ओनली असेसिंग व्हाट, कि एक देश की धरती, दिस स्टेट्स अर्थ, दूसरे देश को सुगंध भेजती है. दिस वर्ल्ड्स अर्थ, दिस स्टेट्स अर्थ ओनली गिविंग फ्रैग्रेंस फॉर अनदर स्टेट. Is it right? No. Everywhere it is there fragrance. So we have to give for everyone. We are assessing only that. We are only giving for others now like that. No. Everyone it is there. Everywhere it is spreading. Ek desh ki dharti dusre desh ko sugandh bhejti hai. Aur vah saurav hawa mein tairte huye pakshiyon ki pangon par tirta hai. वह सौरव हवा में तैरते हुए, दैट फ्रैग्रेंस वॉट इट इज डूइंग, इट इज स्विमिंग ऑन द विंड. दैट फ्रैग्रेंस वॉट इट इज कमिंग ऑन वन स्टेट, इट इज स्विमिंग ऑन द विंड एंड पक्षियों की पंखों पर तैरता है. देन वॉट हैपन, देन इट इज स्विमिंग ऑन द विंग्स ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो, पंखों पर गिरता है. पंखों मीन्स विंग्स, तिरना मीन्स ऑल्सो स्विम ओनली, तिरता स्विम. So what fragrance we are getting from one state, that is spreading on the wind and also in the wings of birds. Or ek desh ka phab, dusre desh mein pani bankar girta hai. We are thinking that one state's vapor only, it is going on the cloud and it is getting shower for the another country. It is not like that, right? So, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. One state's vapor only going to cloud and it is there from that it is the shower it is getting to another country. That is not truth. एक धरती के समुद्र से फाप जाकर बादल से पानी दूसरे धरती पर गिरता है. एक धरती के समुद्र, one sea, from there they are getting, from the sea only we are getting the vapor and only it is going to cloud and like that only raining coming, right? So it is we are thinking that from one world's sea, from there it is that vapor is going to cloud and that clouds, that shower is going to another earth. Like that, is it so many earth is there? No, only one earth is there, right? Everywhere we are getting the same shower. पर एक धरती दूसरे धरती ऐसा कुछ ही नहीं है, एक ही धरती है. इसीलिए वी ओनली वन अर्थ इज देयर, दिस ओनली दिस अर्थ दैट इज नॉट देयर. सो ओनली वन अर्थ इज देयर. सो एवरीवेयर वी आर गेटिंग द सेम शावर, वी आर गेटिंग द सेम विंड, वी आर गेटिंग द सेम एवरीथिंग, वी आर गेटिंग द सेम वॉट एवर इट इज कमिंग, सेम बर्ड, सेम एवरीथिंग, सेम ओनली वी आर गेटिंग. सो वी बट वी आर फाइटिंग
For this is yours. This is like a, we can see in the this also we can see like religion also. You are in this religion. You are in this religion. So we should do this. You should not do us like this and that. So this is not good. We have to live together. हमें भी बांड कर जीना चाहिए. We have to live together. We have to live together. This is the moral of the story. Okay, it was written by Ramdhari Singh Dinagar. Okay, my dear kids, read the story, read the poem and record it and send it to me. Finish the notes, those who didn't finish still, and send it to me the snapshots. Okay, my dear kids, and read the notes and do home test of your own. Still, whatever lesson you didn't do home test, one by one you do home test. After finishing one lesson, you do home test as well, okay? Then take a snapshot and send it to me. If any wrong is coming, means you write and learn 5 times like that. If any word you don't know to read also, you can ask me at any time, okay? Come and meet me in the Zoom interaction, everyone. I need everyone to come for the Zoom interaction meeting. I'll explain once again what and all we learned, okay? So, come and meet there. Okay, my dear kids, that's all for today. धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों.